क्या हुआ? रो क्यों रही है फिर तू? कुछ बोला डॉक्टर ने? हाँ फिर सर पे करो क्या है? हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह से। अभी बज रहे सुबह के 11, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरी थोड़ी सी तबीयत ढीली थी, मतलब कि सर्दी जुखाम और थोड़ा सा बुखार भी हो गया था। तो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो आज मेरा फर्स्ट स्कैन भी है, स्कैन करवाना है। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी ना, तो इसके वजह से थोड़ी एक दो आइसक्रीम एक्स्ट्रा खा ली थी, तो जुखाम हो गया उसकी वजह से। तो अभी हम लोग रेडी हो गए, मैं भी रेडी हो गई और डड्डू रेडी हो रहे हैं। तो जाते हैं फटाफट से स्कैन करवाते हैं और देखते हैं हमारा आने वाला छोटा या छोटी कितना बड़ा हो गया है। और उससे पहले आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू, आप लोगों ने इतनी सारी विशेष की, वहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ पे भी हमारी पोस्ट थी ना, वहाँ पे जाके आप लोगों ने कमेंट किए कि कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसा लग रहा था ना कि हमसे ज्यादा खुशी आप लोगों को हो रही है। तो ये देख के ना मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इससे पता लगता है कि हमें प्यार करने वाले कितने हैं और हमें कितना सारा प्यार करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत सारा थैंक यू। और मतलब ऐसा फील हो रहा है ना जैसा जिया के टाइम पे हो रहा था, फर्स्ट टाइम पे मैं स्कैन करवाने गई थी ना, मतलब अंदर से खुशी हो रही थी कि देखूंगी आज मैं कितना बड़ा बेबी हो गया करके। तो वैसी सेम फीलिंग इस टाइम पे भी आ रही है, मतलब अंदर से ना एकदम से खुशी हो रही है। ढड़ू तो मुझसे ज्यादा खुश है कि उनको है कि अंदर जब तू जाएगी ना स्कैन करवाने के लिए तो मुझे भी बुलवा लेना। तो देखते हैं वहां पे अलाउड होता है कि नहीं होता है। अगर हम वीडियो बना पाएंगे तो जरूर बनाएंगे, वरना ऐसे आपको दिखा देंगे। चलो देखते हैं रेडी हुए कि नहीं हुए। सो गाइस, मैं भी हो चुका हूं रेडी और अभी निकलते हैं। चाबी पकड़ी, क्या ये क्या, इतना सारा सामान भी ले रही है? आज भी डिलीवरी कर दे रही है। कितना सारा सामान है? ये झोला, घंटा, पानी, बोतल, ये क्या क्या लेके जा रही है? फाइल भी ले लू, पानी भी ना पकड़ू, वाटर भी पकड़ू। गुस्सा मत करो, वैसे ही करो। हाँ, ये ऐसे ही करो। है गर्मी एक तो इतनी है ना, ऊपर से लाइट नहीं है तो उसकी वजह से ज्यादा गर्मी हो रही है। और धूप, बाप रे, बारिश होने का नाम ही नहीं रहा। दो तीन दिन लगातार बारिश हुई, इतनी बारिश हुई ना कि पूरा नाला टूट गया है यहाँ पे। और अब देखो बारिश का नाम ही नहीं है, मतलब होएगी बारिश तो लगातार होएगी, नहीं होएगी तो होएगी नहीं। इनको मैंने बोला पीछे को आओ, आगे आगे जा रहे हैं। देखो ये देखो ये देखो, अब वापस चल के मैंने जाना पड़ रहा है इनके पास। गर्म हो रही है ना? ठंडा हो जाएगा। हाँ ये बाप रे, क्या हुआ? चल जल्दी बैठ, जल्दी बंद करना गुस्सा। ओ माय गॉड यार, तेरे को इस समय गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है? तेरे जैसा होगा कैसे अनार बनाते गंदी गंदी। इस समय मतलब इसको खुश रहना चाहिए, हंसना खेलना चाहिए। मेरा खुशी का ध्यान होता ना तो आप 2-5 मिनट पहले आके कार ठंडी करे रहते। भाई मैं सच कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, मतलब इस समय बंदे को खुश रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? इस समय बंदे को भी ज्यादा होता है, समझना चाहिए वो बंदे को। ओके, मतलब पहले ही चिड़चिड़ हो रखा उसमें, ज्यादा वो कर चिड़ा दो उसको। चलो ठीक है, हंस के दिखा फिर एक बार। नहीं आज मैं पहले स्कैन करने जा रही हूँ। तो गाइज मैंने बोला था ना कि बारिश नहीं हो रही है, नहीं हो रही, इतनी गर्मी हो रही है। और देखो अब अचानक से इतनी जोर से बारिश होने लग गई है, मजा ही आ गया। और अभी इससे पहले इतनी गर्मी थी, मैं यही बोल रही थी, पता है मैंने कहा बारिश होती नहीं है तो बिल्कुल नहीं होती है, और होती है तो लगातार होती है। तो भगवान ने मेरी सुन ली। चलो अब थोड़ा ठंडा हो जाएगा मौसम, बस हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो गाइस पानी की बोतल भूल गए थे, मतलब वहां पे स्कैन करवाने से पहले मतलब प्रेशर बनना चाहिए बाथरूम का, तो इसलिए पानी हम अपना लेके आए थे ये वाला, और गाड़ी में भूल गए थे। और अभी जाते हैं यही वाला पानी पी के। और गाइस भीड़ बहुत ज्यादा है, मतलब आज बहुत टाइम लगने वाला, पूरा दिन मतलब यही निकलने वाला है हमारा। फाइनली इसके पांव भारी हो चुके हैं, अब आगे स्कैन करवा रही है। भारी हो चुकी है, हाँ पैर नहीं, ये पूरी भारी हो गई है। तो अभी जा रही है प्रिया अंदर, पीछे बैठे पानी पी रही है, एक बोतल पूरी पी गई।
हो गया क्या हुआ? रो क्यों रही है फिर तू? कुछ बोला डॉक्टर ने? हाँ फिर रिपोर्ट कब तक आएगी? कब आएगी रिपोर्ट? जुकाम हो रहा है। तो जुकाम हो रहा है तेरे नाक से आना चाहिए पानी, आँख से नहीं। डॉक्टर मुझसे बोल रहे नॉर्मल है बेबी, आप रो क्यों रहे हो? फर्स्ट में भी है, बहुत टाइम बाद कंसीव हुआ। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मुझे ना मेरे का सर्दी जुकाम हुआ है। बोले तो रो क्यों रहे हो? फिर मैंने कहा आंसू आ रहे हैं। आराम से बंद करना, आराम से ठीक है? हाँ अभी तो एकदम सही होगी। चलो फिर कहाँ कुछ खाते अभी सच्ची भूख लग रही है। हम लोग 11:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे और अभी हमारे टाइम कितना हो रहा है? 2:30 बज गया, मतलब बहुत टाइम लग गया। और कुछ खाया नहीं है, पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद फिर घर जाते हैं। घर जाके आपको बताते हैं क्या क्या है रिपोर्ट में। कैसा खाना मिल गया ना मुझे खिलाने का? क्या अब नहीं बोला करोगे ना? नहीं मैं पहले भी कहाँ बोलता था? नहीं बोलते, थोड़ा बहुत बोलते थे पहले। हाँ बस वीडियो एडिट करके डाल देता था मैं। एक पूरा खा गई? नहीं खा गया। अब ये बताओ अच्छे वाले बढ़िया वाले सेब कहाँ पे? भैया अल्फा गामा बीटा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बढ़िया वाले चाहिए बस। तो सेब सस्ते होने चाहिए। अभी नहीं, एक महीना और इंतजार कीजिए। मेरे को भी दो पास तो करेंगे, पास तो आप नहीं करेंगे, मेरे को पता ना। गजब बेइज्जती है। सबको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। दो बटर नान, हाफ कढ़ाई पनीर, हाफ दाल मखनी। मैं कढ़ाई पनीर खा लूंगी और रायता, सलाद तो होगा ही, ड्राई पापड़। ये तो ये सब कब से खाने लग गई? तेरी शक्तियों को क्या हो गया? मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया तो मतलब प्रॉपर खाना खाने लग गई तो लटरम पटरम ये वो पता नहीं क्या क्या मंगा दी। सुबह से कुछ खाया नहीं ना तो रोटी दाल रोटी सब खा लूँ ना, इसलिए और अभी प्रिया रेस्ट कर रही है और मेरे को भी जिम जाना है तो कोई बात नहीं, इसको रेस्ट करने देते हैं। और अभी जिया भी सोई है, मम्मी सब लोग सो रखे हैं, मतलब दोपहर का टाइम है ना। अभी टाइम कितना हो रहा है वैसे? 4:00 बज गए और हम फटाफट जिम जाते हैं और उसके बाद फिर दिखाते हैं आपको सबका रिएक्शन, मतलब स्कैन करवा के आए हैं तो मम्मी को, जिया को, खुशी को, सबको दिखाएंगे, मतलब जो भी घर में है। तो हाथ लगाओ तो ना सर पे। क्या सर दर्द हो रहा है? अभी इसको सुबह गर्मी लग रही थी, अभी तो कंबल ओढ़ के लेटी है। तो सुबह सर दर्द भी होता, अभी तो सर दर्द भी हो रहा है। चल ठीक है फिर क्या करना है बता? थोड़ा दबा दो थोड़ा सा। सर दबाना है? गला दर्द हो रहा है? पहले गला ही दबा दो। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, विक्स है मेरे पास, गला दर्द हो रहा है, विक्स खाने से ठीक होता है। विक्स की गोली लो, खींच खींच दूर करो। सर दर्द हो रहा है मेरा, आप ज्यादा सर दर्द मत करो मेरा, दबाना है दबा दो, नहीं दबाना है जिम जाओ। ये सर है मेरा, सर है ये। हाँ गुस्सा नहीं करना प्रिया, सर है मेरा, ये मुंह है ना मेरा, ये सर है। क्या दर्द हो रहा है? अच्छा ये सर है तेरा और ये मैडम है। गुस्सा नहीं करना प्रिया, गुस्सा करेगी तो फिर वो गुस्सैल बनेगा, गुस्सैल ये। मुझे गुस्सा मत दिलाओ ना फिर। ओके चल ठीक है, सर दबाओ मेरा। सच बताओ मजा नहीं आ रहा था वैसे ऐसे करने में? सर दबाने में मजा आ रहा है ना, ऐसे भी मजा आएगा देख। आईब्रो में ऐसे करने में कितना मजा आता है, आंखों में। हाँ आंखों में देखिए, धीरे धीरे से रुको, अभी आपकी नहीं होएगा, मैं दबाऊंगी रुको अच्छे से। भाग लो जिम जाओ, मुंह उठा के जिम जाओ चुपचाप, दिमाग खराब। चल आप अच्छे से करूंगा, अच्छे से करूंगा, अभी अच्छे से करूंगा। चल सर पे ही करना फिर। हाँ हाँ नहीं यहाँ भी अच्छे से होता है ना, सर पे करो। प्रिया के जाओ जिम देख ले, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं रुक जाता हूँ, मैं सर दबाता तेरा। कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है
जाऊँ मैं सच में? हाँ जाओ जाओ सच में ना। हाँ हाँ जाओ। तो खुद कह रही है ठीक है, इतना जिद कर रही तो यार मैं बीवी का कहना कैसे टाल सकता हूँ, तो जाना पड़ेगा मुझे, मतलब बीवी ने बोला तो ठीक है भाई। तो गाइस मैं सोई थी और मैं उठ गई हूँ अभी, और ढड़ू भी जिम से आ गए हैं, तो हम लोग आए हैं अभी छत पे थोड़ा हवा लेने के लिए। छत पे हवा चल रही है ना, तो एसी में भी कितना बैठेंगे, एसी में बैठते बैठते दिमाग खराब हो जाता है, तो छत पे खुली हवा लेता है। और हमारे यहाँ पे फूल देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, ये वाला देखो कितना बड़ा हो गया, इस पे ना फूल भी खिलाता है पिंक कलर का, सुबह सुबह फूल खिलता है इस पे। और ये भी जो इसमें बड़ा फूल लगा था वो टूट गया और इसमें एक कली आ गई, ये भी बढ़िया लग रहा है। और ये देखो ये तो पहले से खिला हुआ था, फूल भी थे इसमें, और ये सूखा भी नहीं पता है। और ये वाला देखो कुर्री के फूल, इसमें बताओ क्या चेंजेस हुए। ये कच्चे कच्चे कच्चे, मैं कह रही इसमें बताओ क्या हुआ है, बड़ा हुआ है ये कि नहीं? ये बड़ा तो नहीं हुआ, फूल क्यों नहीं हुआ, फूल खिले हैं, फूल खिले हैं ये वाला था, ये बड़ा हुआ है ना, फूल खिले। और ये देखो ये भी बड़ा हुआ है, और बाकी इनका लेंटर पड़ गया, जब यहाँ से ये लोग दीवार ऊंची उठाएंगे ना, तीसरा भी मंजिल बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे से फिर ये भी हटा देंगे, क्योंकि ऊपर से सीमेंट रेता बजरी गिरते रहता है, तो खराब ना हो जाए हमारे फूल। और नींबू का हाल मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो नींबू के जो फूल आए हुए थे ना, सारे फूल गिर गए बारिश में, और नींबू हमारे बड़े हो रहे हैं। क्या खा रहे हो? मैं अपने लिए लेके आई हूँ, ठीक है, क्यों नहीं खा सकते, सारे काटो ना, मैं भी खाऊंगी फिर। प्रिया यहाँ पे छील रही है, और इधर स्पाइक का ध्यान देखो कैसा है। क्या हुआ स्पाइक, नहीं दे रही है, नहीं दे रही ना, फ्रूट चाहिए होते हैं इसको भी पता है, डाइटिंग पे होती है आजकल ये, जैसा हम खाते हैं ना वैसा खाती है, अपना खाना नहीं खाती है ये, सही बात है, हमारा खाना खाती है, जैसा हम खाएंगे ना वैसा खाएगी ये भी। वो देखो तो गाइस अब देखते हैं जिया का रिएक्शन, जिया भी कर रही है होमवर्क। जिया इधर आना, तुझे एक चीज दिखाए, सबसे पहले बता तुझे भाई चाहिए की बहन चाहिए? एक चाची की बहन विद्ना, एक मेरा भाई है। पहले अपना देख, चाची का बाद में, एक चाची की बहन एक अपना भाई। वाह, तो अपना बता तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए बता? भाई, भाई चाहिए। भाई क्यों चाहिए? क्योंकि ना सोनू के पास है, सोनू के पास भी है, तेरे पास नहीं है। ओ मेरा बच्चा, चल तेरे को फोटो दिखाए भाई की, भाई की फोटो दिखा, भाई कितना बड़ा हो गया, ये देख। मम्मी इतना छोटा किबड़ू आ गया। तो ना इसने और इसके डैडी ने मिलकर उसका नाम भी रख दिया किबड़ू। किबड़ू कोई नाम होता है? हाँ? कीड़ा मकोड़ा थोड़ी है, ये प्यार से नाम रखा है, क्योंकि जिया का नाम क्या है? मेरा नाम किबड़ू, उसका नाम किबड़ू। तो गाइज अब हम आप लोगों को भी दिखाते हैं इसका रिएक्शन, तो देख लिया अब आप देख लो। तो गाइज ये देखो, अभी मेरी चल रही है 3rd month प्रेगनेंसी, तो हमारा पहला स्कैन भी हो गया है, तो हम लेट हो गए थे ना बहुत ज़्यादा, इसलिए अब कल डॉक्टर के पास जाके रिपोर्ट दिखानी है और सारी दवाई दवाई ले लेनी है, क्योंकि अब दवाई चालू होगी, क्या होता है जो मल्टीविटामिन वगैरह वो सब चालू होंगी, कैल्शियम मल्टीविटामिन वो सब चीज़ें अब वो सब चालू होंगी, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, सब बढ़िया हो गया, सब नॉर्मल है। गर्मी कितनी हो रही है यार, कोई कहेगा आप, मतलब बारिश बारिश हो के हटी है, फिर गर्मी शुरू हो गई है। अच्छा देखो हमारे जमाने में तो पता ही नहीं होता था ये सब, तुम्हारे जमाने में ये ऐसा है कि यही से दिख रहा है सब कुछ, हाँ, शुरू से लेके 1st month से लेके डिलीवरी तक आपने करवाया था कभी? जब मैं होने वाला था 18 साल जो नए महीने में कराते थे वो भी उस टाइम ऐसा ही होता था ना, यहाँ जो बच्चे हुए ना उसके करते थे, जो गांव में हुए उसके तो गांव में तो ऐसे हो गए। अच्छा मैं गांव में हुआ था, यहाँ हुआ था तो यही होता, तो सागर गौतम तीनों बच्चे यही होते। चलो अब खाना वाना खा लिया है, अब हम सो जाते हैं, तो बहुत गर्मी हो रही है, हम जल्दी से जाते हैं कमरे में। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ गाइस आप लोग चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो।
तो ये गलत बात है ना, ये तो सब्सक्राइब भी करो जल्दी से। बाय।